नमस्कार दोस्तों, तो आज हम स्टडी करेंगे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस। व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ इट? लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ फोर्सेस फॉर कोप्लेनर कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। ओके, इसका स्टेटमेंट देखते हैं। इफ टू फोर्सेस एक्टिंग साइमल्टेनियसली ऑन अ पार्टिकल बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, देयर रिजल्टेंट मे बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम विच पासिस थ्रू देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मतलब इस स्टेटमेंट को हम थोड़ा थोड़ा करके समझते हैं। पहले डायग्राम पर आते हैं। डायग्राम में देखते हैं ओ ए सी बी क्या है, एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम के साइड्स हैं ओ बी एंड ओ ए, जो कि पी और क्यू फोर्सेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, ये हमको डायग्राम में दिख रहा है। तो स्टेटमेंट का फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, इफ़ टू फोर्सेस एक्टिंग साइमल्टेनियसली ऑन अ पार्टिकल, टू फोर्सेज एक्टिंग साइमल्टेनियसली ऑन अ पार्टिकल, पी और क्यू एक पार्टिकल ओ पर एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, बाय द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम के थ्रू। यहाँ पर ओ ए एंड ओ बी दो साइड्स हैं इस पैरेललोग्राम की, तो इन दोनों साइड्स के थ्रू ये एक्ट कर रहे हैं इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, आगे दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, दे आर रिजल्टेंट मे बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। इनका जो रिजल्टेंट है पी और क्यू का जो रिजल्टेंट है आर, वो इस पैरेललोग्राम के डायगोनल से शो हो रहा है इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, और ये तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, विच पासिस थ्रू देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और ये आर जो है वो कहाँ से पास हो रहा है, पी और क्यू के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रहा है। तो ये हुआ हमारा स्टेटमेंट। आगे पैरेललोग्राम लॉ के थ्रू हमें एक्चुअली फाइंड आउट क्या करना है, रिजल्टेंट आर इन दो फोर्सेस पी और क्यू जो कि पर्टिकुलर एंगल थीटा से इंक्लाइंड है, इनका रिजल्टेंट आर फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो डायरेक्ट चलते हैं हम डेरिवेशन पर, है ना, डेरिवेशन पे चलेंगे। डेरिवेशन के पहले एक और चीज़ बता दूं कि रिजल्टेंट आर का इंक्लिनेशन कितना है पी के साथ, अल्फा। ठीक है, ये अल्फा, तो हमें दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है, एक तो रिजल्टेंट और ये एंगल अल्फा फाइंड आउट करना है ना। तो फाइंड आउट करने के लिए प्रोसेस है, हम देखेंगे ट्रायंगल ओ सी डी जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल में हम कौन सा लॉ फॉलो करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ओ सी स्क्वायर इज इक्वल क्या हो जाएगा, सी डी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ओ डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। ठीक है, आगे चलते हैं, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे। ओ डी, देखिए ओ डी किस किस पार्ट में डिवाइडेड है, ओ ए प्लस ए डी में डिवाइडेड है। तो हमने ओ डी को क्या लिखा, ओ ए प्लस ए डी, ये स्क्वायर यहाँ पर पुट आउट किया, प्लस सी डी स्क्वायर। आगे और इसको सिंप्लीफाई किया, ओ सी स्क्वायर इज इक्वल क्या हो गया आपका, ए, ये देखिए ओ ए प्लस ए डी का होल स्क्वायर क्या शो करेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला हमने पुटअप किया, ओ ए स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर प्लस टू ओ ए डी, एंड सी डी स्क्वायर की वैल्यू हमने ऐसे ही रखी। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आगे चलते हैं, नाउ ट्रायंगल सी ए डी। ठीक है, सी ए डी में फिर से हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाया, तो क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर प्लस इज इक्वल सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। यहाँ से वैल्यू हमने फाइंड आउट की सी डी स्क्वायर की। ठीक है, सी डी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट की क्या आ गई, ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर टू। तो इक्वेशन नंबर टू से सी डी स्क्वायर की वैल्यू पुटअप की हमने कहाँ पर, ये यहाँ पर, मतलब इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुटअप की। ठीक है, ये वैल्यू पुट की, तो इक्वेशन क्या बन गई अपनी फर्स्ट, पहली इक्वेशन क्या बन गई, ओ सी स्क्वायर इज इक्वल आ गया आपका ओ ए स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर प्लस टू ओ ए डी। ये तो हमने ऐसा कैसा लिखा है, ये देखो, ये तो ऐसा कैसा लिखा है, वैल्यू किसकी पुट करनी है हमको, सी डी स्क्वायर की। तो सी डी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर पुट की हमने ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर, और सिंप्लीफाई किया इसको, ए डी स्क्वायर से ए डी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि एक प्लस था एक माइनस था, तो दोनों आपस में क्रॉस हो गए। आगे चलते हैं, यहाँ पर हम डायग्राम में देख पा रहे हैं कि ए सी इज इक्वल होगा ओ बी के, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं,
पैरेललोग्राम के दो साइड्स हैं और सेम हाइट पर हैं, तीनों चीज़ें अप्लाई हैं, तो दोनों ए सी एंड ओ भी बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो फिर हम क्या लिखेंगे, ओ सी स्क्वायर इज इक्वल ओ ए स्क्वायर, है ना। क्या बचा यहाँ पे, ए सी, ए सी स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर की जगह क्या लिख दिया हमने, ओ बी स्क्वायर एंड प्लस ओ ए ए डी, ठीक है। अब यहाँ पर आगे चलते हैं, ए डी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं अपन डायग्राम से। तो ए डी की वैल्यू क्या फाइंड आउट हो रही है यहाँ पे, क्यू कॉस थीटा। कैसे, क्योंकि देखो यहाँ पर ओ बी इज इक्वल क्या था, क्यू, तो ऑब्वियसली ए सी पैरेलल इसके, तो ए सी पर भी क्या हो जाएगा, क्यू, ठीक है। तो इसको रिजॉल्व करेंगे क्यू के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, क्यू कॉस थीटा, थीटा के साथ है, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा आपका, ये वर्टिकल कंपोनेंट, या इसको हम सी डी भी बोल सकते हैं, क्या हो जाएगा, सी डी क्यू साइन थीटा, ए डी हो जाएगा क्यू कॉस थीटा एंड सी डी क्या हो जाएगा, क्यू साइन थीटा, ठीक है। तो वही मैंने लिखा है कि ए डी इज इक्वल ए सी कॉस थीटा और ओ बी कॉस थीटा, है ना, या ओ बी कॉस थीटा क्या लिख सकते हैं हम, क्यू कॉस थीटा, है ना। आगे इक्वेशन थर्ड बिकम कैसी हो जाएगी, ओ सी स्क्वायर इज इक्वल ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस टू ओ ए, और ए डी की वैल्यू हमने पुट करी ओ बी कॉस थीटा। आगे ये इक्वेशन नंबर फोर्थ हो गई। आगे वाले इक्वेशन में क्या होगा, नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं कि आगे हमने क्या बताया, जस्ट कि ओ इज इक्वल आपका बी है, ओ बी इज इक्वल क्यू है एंड ओ सी इज इक्वल आर है, है ना। तो ये सारी वैल्यूज, ये सारी वैल्यूज अब हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर किस में, फोर में, इक्वेशन नंबर फोर में यहाँ पुट करेंगे। ओ ए की जगह पर लिखेंगे पी, ओ बी की जगह पर लिखेंगे क्यू, है ना, पी क्यू कॉस थीटा। तो आगे जो इक्वेशन बनेगी वो हमारी कैसे बनेगी, ओ सी की जगह पर लिखेंगे आर, तो कैसी इक्वेशन बनेगी, आर स्क्वायर इज इक्वल पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये स्क्वायर यहाँ पर जाके अंडर रूट में चेंज हो जाएगा। देन फाइंड आउट करते हैं हम टेन अल्फा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ रिजल्टेंट विद पी, विद रिस्पेक्ट टू पी और विद हॉरिजॉन्टल। तो टेन अल्फा इज इक्वल क्या हो जाएगा आपका, सी डी स्क्वायर, है ना, सी डी स्क्वायर अपॉन OD, CD square upon OD, CD, sorry, CD square नहीं, है ना, tan alpha, tan alpha is equal क्या हो जाएगा, perpendicular upon base, है ना, perpendicular upon base करना है हमको, तो perpendicular क्या है यहाँ पर, alpha के सामने का angle perpendicular होगा, तो CD upon OD, base हो गया, CD की value put करी हमने Q sin theta, जैसा कि हम पहले discuss कर चुके हैं, and OD की value find, OD की value हमने लिखा, ये P प्लस क्यू कॉस थीटा। तो यहाँ से हम अल्फा फाइंड आउट कर लेंगे, टेन इनवर्स क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा, ठीक है। तो ये हो गई हमारी पैरेललोग्राम लॉ। आगे हम इसके न्यूमेरिकल पर चलते हैं। न्यूमेरिकल में क्या है, न्यूमेरिकल कह रहा है कि टू फोर्सेज हैं 40 न्यूटन एंड 30 न्यूटन जो कि एक्ट कर रहे हैं एक पॉइंट पर, लेकिन पॉइंट से दूर, है ना, ये एरोज पॉइंट से दूर जा रहे हैं, है ना, तो ये इस टाइप से एक्ट कर रहे हैं। कौन कौन से फोर्सेस है, 40 न्यूटन एंड 30 न्यूटन, इन दोनों के बीच का एंगल हमको दिया है 30 डिग्री, ठीक है। तो हमें इनका रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन फाइंड आउट करना है रिजल्टेंट का। तो डायरेक्ट हम लगाएंगे पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ में भी यही था कि दो फोर्सेज थे जो कि एक थीटा एंगल से इंक्लाइन थे, है ना, यही था 40 न्यूटन एंड 30 न्यूटन, पी आपका 40 न्यूटन है एंड क्यू 30 न्यूटन है, और थीटा कितना दिया है यहाँ पर 30 डिग्री, है ना। हमको फाइंड आउट क्या करना है, अल्फा या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन फाइंड आउट करना है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं हम, अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा, ठीक है। तो आर इज इक्वल हमने वैल्यू पुट करी पी 40 क्यू 30 टू इंटू पी 40 इंटू 30 कॉस 30, तो आर कितना आ गया 67.66 न्यूटन। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, टेन अल्फा इज इक्वल क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा अकॉर्डिंग टू दी पैरेललोग्राम लॉ। आगे चलते हैं, इसकी वैल्यू फाइंड आउट, वैल्यूज रखते हैं हम फॉर्मूले में, 30 इंटू साइन 30 अपॉन 40 प्लस 30 कॉस 30, फाइनल जो अल्फा आ जाएगा अपना कितना आ जाएगा 12.81 डिग्री। सो क्या कहता है आंसर, क्या कहता है, रिजल्टेंट मेक्स एन एंगल ऑफ 12.81 डिग्री फ्रॉम द फोर्स 40, है ना। मतलब ये जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आप देख रहे हो, ये क्या आया, 12.81 आया, और रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी आई आपकी, 67.66, ये 67.66। आगे नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर चलते हैं। इस न्यूमेरिकल में हमसे बोला है कि दो फोर्सेस पी हैं, है ना,
दो फोर्सेस पी हैं, टू फोर्सेस पी है ना, और उनका रिजल्टेंट दिया है हमको, रिजल्टेंट इज इक्वल टू दी पी बाई टू। तो यहाँ पर हमको दो चीज़ें दी हैं, दो चीज़ें दी हैं और हमसे बोला गया है कि ये जो दो फोर्सेस पी हैं इनके बीच का एंगल फाइंड आउट करना है, एंगल बिटवीन टू टू फोर्सेस है ना, ये फाइंड आउट करना है। तो गिवन क्या है अपन को, पी इज इक्वल क्यू इज इक्वल पी दिया हुआ है, ठीक है, मतलब पी और क्यू होते थे तो क्यू की जगह पर भी हमको पी दिया हुआ है ना, और ये वाला एंगल हमको फाइंड आउट करना है, थीटा एंगल हमको फाइंड आउट करना है ना। सो आर इज इक्वल अकॉर्डिंग टू द पैरेललोग्राम लॉ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस थीटा अंडर रूट ऑफ, ठीक है। सो आर इज इक्वल पी इज स्क्वायर क्यू की जगह पर पी, क्यू की जगह भी हम क्या लिखेंगे पी स्क्वायर प्लस टू पी पी कॉस थीटा। आगे इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे है ना, ये अपन ने सिंप्लीफाई किया, देख पा रहे हैं आप है ना, ये देखिए यहाँ पर सिंप्लीफाई हुआ क्या है फाइनली, वन अपॉन टू इज इक्वल अंडर रूट टू एंड अंडर रूट वन प्लस कॉस थीटा। इस अंडर रूट टू को अपन यहाँ पर ले गए तो इक्वेशन इस टाइप की बनी है ना, यहाँ पर आप एक्सप्लेनेशन देख पा रहे हैं इज इक्वल अंडर रूट ऑफ वन प्लस कॉस थीटा, ठीक है, ये और सिंप्लीफाई हुआ मतलब यहाँ का अंडर रूट हटके इस साइड आया तो स्क्वायर में चेंज हुआ है ना, सिंप्लीफाई करके कॉस थीटा इज इक्वल फाइनली आपका क्या है माइनस सेवन बाई एट। सो थीटा इज इक्वल कॉस इनवर्स माइनस सेवन बाई एट, थीटा इज इक्वल 151.04 डिग्री। दैट इज व्हाट कि ये जो एंगल थीटा है, ये वाला जो एंगल थीटा है वो क्या है आपका, ये जो एंगल थीटा कितना है 151.04 डिग्री आया। ओके चलिए, अब आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मेरे से, न्यूमेरिकल्स में जो भी प्रॉब्लम है या थ्योरम में जो भी प्रॉब्लम आ रही है ना, तो अब वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। आगे हम स्टडी करेंगे लामीज थ्योरम, ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, ओके।